السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ظلمت شب سے اتنا ہراسا نہ ہو, ظلمت شب سے اتنا ہراسا نہ ہو, کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو. یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے, رات ڈھل جائے گی دن نکل آئے گا. زندہ دل بزرگو, شیر دل نوجوان بھائیو, پھول دل ننے منے ساتھیو, ممتصل ابریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں, किसी भी बड़े से बड़े टारगेट का हुसूल खौफ का सामना किए बगैर नामुमकिन है. मंजिल जितनी बुलंदोबाला होगी उसके लिए कोशिश, कावश और मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी. इस कायनात की सबसे कीमती चीज ईमान की दौलत है. इस दौलत को लेना, लेके आगे बांटना, ये किस्मत वालों और मुकद्दर वालों को मेरा रब तौफीक देता है. और खुसूसन अल्लाह अपने जिन प्यारों को अपने बंधु के लिए चुनता है उनका इस्तीफा फरमाता है, चुनाव और इंतखाब होता है, उनको रहबरी, रहनुमाई, उम्मत की पेशवाई के लिए अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं. लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका अजर और सवाब और मुकाम बड़ा है, तो फिर उनकी मेहनत और उनका काम भी बड़ा है. और उन्हें इस रास्ते में जितनी मर्जी कुर्बानियां देनी पड़ जाएं वो उससे पीछे नहीं हटते. आज की मेरी और आपकी मुलाकात सैयदुल कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दीन और उम्मत के लिए जो कुर्बानियां हैं उनका इख्तसार से इहाता करना चाहूंगा. मेरे मालिक ने तौफीक दी तो मुलाकात इंशाअल्लाह भरपूर रहेगी, और अगर मामला बरअक्स रहा तो मैं अपने रब की रजा पर राजी हूं. उम्मीद है कि आप अहबाब दुआ भी कर देंगे. मैंने शायद कभी स्टेज पे बैठ के आज तक ये नहीं कहा था कि मैं बीमार हूं या हालील हूं, लेकिन अल्लाह ताला ये कहना इसकी जरूरत भी ना पड़े. बहरहाल दुआओं की दरखास्त है. भाइयों, आप और मैं, बहनें भी, उम्मत की माएं और बेटियां, बेटे और वालिदैन, हर इंसान अपने बच्चे के लिए, अपनी नस्ल के लिए मेहनत करता है, फसल के लिए भी मेहनत करता है,
कहते हैं कि बारिश ना हो तो फसल गई, दीन ना हो तो नस्ल गई। आप और मैं इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, दुनिया क्या कर रही है और हमारा क्या अंजाम होगा। हजरत, एक बात अच्छी तरह जहन में रख लें, अगर खात्मा बिल ईमान हो जाता है तो फिर डरे मत। लस्त उबाली ही ना उकतलु मुस्लिमा अला अय्ये जंबिन कान फिल्लाही मसराई। अगर मेरा रब मेरी मौत को कबूल कर लेता है और मेरा खात्मा बिल ईमान फरमा देता है तो फिर मुझे कोई डर नहीं कि मैं मौत आते लम्हात किधर गिरूंगा, दाएं या बाएं या किस करवट, फिर मुझे कोई खौफ नहीं होना चाहिए। हजरत, वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह जिसने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाई, और उसका यह मौकफ था कि दुनिया का हर परले से परला गंदा और गिरा हुआ जानवर भी एक मुसलमान से अच्छा होता है। एक दिन अपने काफले में हवारियों के साथ, फौज और सिपाह के साथ, लौ लश्कर के साथ चल रहा है और उसके लश्कर में एक कुत्ता भी है। मुसलमानों का उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम और बुजुर्ग ज़ईफुल उमर, बेटा जी ये मजलिस आप लोगों के लिए, बुजुर्गों से बड़े तहकीर आमेज लबो लहजे में बुला के सारे अपने लश्कर के सामने कहने लगा, एक बात पूछना चाहता हूं। कहा, जी। और ये वो दौर है जब मुसलमानों की खोपड़ियों की दीवारें बनी हुई थी। कहने लगा, मुझे ये बताओ, तुम अच्छे हो कि मेरा कुत्ता अच्छा है? तुम अच्छे कि मेरा कुत्ता अच्छा? अल्लाहु अकबर। उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे और आपके लिए इबरत आमोज भी है, नसीहत आमेज भी है। कहा, अगर मेरा खात्मा ईमान पे हो गया और रब ने मेरी मौत कबूल कर ली फिर तो मैं अच्छा, वगरना तेरा कुत्ता अच्छा, वगरना तेरा कुत्ता अच्छा। हजरत, ये सच है। आप और मैं बहुत कुछ फेस कर रहे हैं इस वक्त, बड़े बड़े मसाइब आलाम और परेशानियों से आप और मैं गुजर रहे हैं, लेकिन जो परेशानियां हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम को मिली हैं वो शायद अभी आपको या मुझे नहीं मिली, और जो कुछ उन्हें कुर्बान करना पड़ा है हमने उनका उश्रे अशीर भी अभी तक नहीं दिया। लिहाजा हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश किया करें और अल्लाह के शुक्रिये के साथ उनका शुक्रिया अदा किया करें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम की जजा देना कि उन्होंने दुनिया की हर मुश्किल का सर काट के भी हक को हम तक पहुंचाया। हजरत, मैं सरसरी तौर पे जरा पहले अंबिया की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि ये रास्ता शुरू से ही ऐसा रहा है।
मैं और आप अगर कॉन्फ्रेंस में आए, बड़े इंतजामिया ने किए हों, मेरा ईमान है कि अगर इंतजामिया किसी कॉन्फ्रेंस में मुखलिस है ना इंशाल्लाह, तो उन लोगों की ये मेहनत अल्लाह के हां उनकी जिंदगी में आखरत का जखीरा है और उनके जाने के बाद यह सदका जारी है और उनके कामयाब होने के लिए इतना ही काफी है कि अगर एक शख्स सही रास्ते पे आ जाए तो मुबारकबाद उनके लिए। मगर आप तशरीफ लाए, इंतजामिया ने मेहनत की, कोई आलिम नहीं पहुंच सका, मौसम खराब, बारिश, हालात खराब, आपके दिल से शिकवा नहीं जाएगा। आप कहेंगे यार इतना हमने काम भी छोड़ा, स्पेशल आए भी, लेकिन फिर ना कोई बात नहीं बनी। अगर किसी खतीब से गुफ्तगू अच्छी ना हुई, माफी फिर भी नहीं, आपके दिल में कहीं ना कहीं खलश रहेगी। और अगर कहीं इंतजाम में कमी बेशी आ गई, मसाइल फिर भी रहेंगे। और जाते हुए अगर किसी भाई को खाने में मुनासिब प्रोटोकॉल ना मिल सका, फिर भी कहीं ना कहीं इजहार हो जाएगा। सिर्फ एक रात का मैटर है, जिंदगी नहीं, दावत की जिंदगी नूह अलैहि सलाम की 950 साल है, 950 साल। और पता है उनकी दावत डे एंड नाइट थी, 950 साल को डबल कर ले, 1900 साल की दावत बनती है। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। मैंने अल्लाह ना दिन देखा है ना रात देखी है, मैंने जो मैसेज आपने दिया था मैंने पहुंचाने के लिए दिन रात बराबर कर दिए। चलें आप 950 साल ही लगा लें, ना करें इसको 19 साल, 950 साल की दावत में जब रिजल्ट निकला है ना रिजल्ट, तो पता है क्या है, घर की बीवी भी साथ नहीं है और अपना बेटा भी साथ नहीं। यह कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। आप किसी काम के लिए, काज के लिए मेहनत कर रहे हो, बीवी बच्चों को समझा रहे हो और फायदा भी उनका हो, आप समझ ले मैं एक मकान बना रहा हूं और उसमें भी आपके मियां बीवी के ताल्लुकात सही ना हो और बच्चे भी राजी ना हो, तो नफ्सियाती तौर पे आपको कितनी चोट लगेगी ये वही जान सकता है जिसके साथ बीती है। हजरत ऐसे नहीं हुआ था कि कश्ती बनाई है, अपना बेटा ही सवार नहीं हुआ और कह रहा है कि मुझे वो पहाड़ बचा लेगा और पानी वहां कहां चढ़ेगा, बुलंदियों पर चढ़ गए। आखिर बच्चा तो बच्चा होता है, बेटा तो बेटा होता है, नूह अलैहि सलाम के जज्बात मचल गए थे और वहां रब ने कहा था मेरे नबी ये तेरा अहल नहीं है। आप और मैं सोचे हमारे बच्चों को बीवी को अगर कोई, हमारे मां बाप ही कहीं कह देना कि ये तेरा बच्चा नहीं है तो बंदा बचता नहीं है। हजरात ये कुर्बानियां देते हुए चलते आइए, चलते आइए, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को देखते चले जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले 20 कुर्बानियां दे रहे और इतनी कुर्बानी दी है उन्होंने, अल्लाहु अकबर। आप और मैं कभी भी हक के लिए अभी तक अपने बाप को शायद नहीं छोड़वाया, मजबूरी है। बीवी के लिए तो अब्बू छोड़ दिए होंगे, मकान की वजह से लड़के छोड़े होंगे, दुकान कारोबार की वजह से, मगर दीन की वजह से ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहि सलाम ने दी है, घर की कुर्बानी दी है, घर छोड़ना बड़ा मुश्किल है, पेशे की कुर्बानी दी है, रिश्तेदारों की कुर्बानी दी है, यारों दोस्तों की कुर्बानी दी है, माल की प्रॉपर्टी की कुर्बानी दी है, अपने ओहदे की कुर्बानी दी है। लोगों दुनिया के जो मसाइल
कौमों के अंदर पाए जाते हैं, उनमें बड़े बड़े वडेरों की कुर्बानियां, बुतों की कुर्बानियां, अपने माबूदार जिनको समझते थे उनकी कुर्बानियां, सूरज चांद सितारे वडेरे समझे जाते थे उनकी कुर्बानियां, वक्त की हुकूमत की कुर्बानी, और हत्ता के अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आग में भी कूदने को तैयार है। मुल्क की कुर्बानी जलावतन कर दे गए हैं, बीवी की कुर्बानी कहां छोड़ के गए हैं, और बेटा जिसे मांग मांग के लिया था हजरत बचपन में छोड़ दे कि उसे कुर्बानी, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसको जबा करने वाली कुर्बानी, ये इतनी कुर्बानियां दे के फिर जन्नत का मेंड आया था। आप और मैं पहली कुर्बानियां तो दीन के लिए भूल गए, मगर बकरे छतरे वाली याद रह गई। इसी तरह मेरे महबूब के असलाफ ने जब इतनी कुर्बानियां दी थी तो जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं उन सब की कुर्बानियां मोहम्मद रसूल सल्लम ने अकेले ने दी। हजरात, इन कुर्बानियों को बयान करने का मकसद मुझे मेरे महबूब को मजलूम करके पेश करना नहीं है, ये बात ज़हन में रखना, लेकिन दीन की कीमत क्या है और उन्हें उम्मत से प्यार कितना था और मुस्तकबिल की फिक्र कितनी थी और हम किस कदर बेफिक्रे हैं, इस चीज का आज जरा अपने मीजान में रख के तराजू में तोल के मेरे महबूब की सीरत और जिंदगी को पढ़ना जरा। हजरात, मैंने आपने अपने कुर्बो जवार में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप में मेरे साथ किसी के साथ हो, लेकिन पैदा होने से पहले बाप ना हो, जिंदा ना हो, रुखसत हो चुका हो, आंख खुले सारी दुनिया बाप बाप भूलती हो, आपको वो चेहरा नजर ना आए, आपको वो चेहरा नजर ना आए, उस माहौल में शायद मेरे रब ने महबूब को तैयारी ऐसे करना था। आलम यजिद का यतीम अनफावा, बड़े तो बड़े बन ही जाते हैं महबूब, लेकिन हम यतीमी देके इस दागे यतीमी के अंदर रखते हुए हम आपकी इस यतीमी को सहारे देके कायनात के इमामों के इमाम और इमामुल अंबिया ना बना दे तो हमें रब कौन कहेगा। लेकिन कुर्बानी भी बड़ी थी जो रब ने उस वक्त ली है जब बंदा कुर्बानी के लायक और काबिल नहीं। और फिर भाइयों, कभी सोचना 6 साल क्या उम्र होती है बच्चे की, उसमें से 4 साल तो गुजर गए ना बनी साद की बस्ती में, बनी साद की बस्ती, 4 साल तो वहां बीत गए। मां के साथ जब मां को देख के समझने का मौका मिला और मां के लफ्ज की लज्जतें महसूस होने लगी, यूं मां जी का रवाना हो जाना, हजरात कभी हमने सीरत को सामने रख के देखा ही नहीं। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। हजरात, अभी 2 साल मजीद बीते हूं, जिन हाथों ने गोद दी हो जब बाप नहीं था मां नहीं, वो दादा भी रुखसत हो जाए, आप क्या समझते हैं? ये कुर्बानी के लिए तैयारियां नहीं थी, आजमाइश पे आजमाइश नहीं थी? अल्लाह अकबर। बहरहाल ये सारी चीजें मेरे महबूब गुजारते 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 मैं आगाज कर रहा हूं, जिंदगी जब 40 साल की हो गई थी, 40 साल दुनिया की ऊंच नीच देखी, दुख दर्द देखे, कहानियां देखी, बातें सुनी, और मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जो वही देते हुए कुर्बानी देनी पड़ी है उसका शायद आप भी जिक्र नहीं करते और मैं भी शायद जिक्र नहीं करता। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी आजमाइश वाली और बहुत बड़ी हैबतनाक चीज जो होती है वो वही का नजूल होता है। मेरे महबूब के पसीने छूट जाते थे और कैफियत क्या हो जाती थी
सुनन नसाई की हदीस है कि एक नबी को अल्लाह ताला ने 40 जन्नती आदमियों की ताकत दी होती है और एक जन्नती आदमी दुनिया के 100 पहलवानों जितनी ताकत रखता है। 4000 पहलवानों की ताकत रखने वाले महबूब, जब जिब्रील अमीन ने रब के हुक्म से वही देते हुए कहा कि इकरा, और महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मां आना बेकारी, उस वही की दहशत जब उनको पकड़ के जो है बाजुओं में लेके थोड़ा दबाया, अल्लाह अकबर। इस कुर्बानी को शायद लोगों ने इस चैप्टर में जिक्र नहीं किया, लेकिन है ये भी कमाल की कुर्बानी। मेरे महबूब को शायद इससे पहले इसके बाद किसी जगह आपने महबूब की जुबान से ये लफ्ज नहीं सुने होंगे, इन्नी अखाफो अला नफसी, इन्नी अखाफो अला नफसी, मेरे महबूब के ऊपर इस वक्त सर्दी कपकपी और अजीब सा प्रेशर था कि घर आते सैयदा को कहते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी दस्तरूनी दस्तरूनी, खदीजा मुझे कंबल लिहाफ चादर रजाई जो भी है दे दो, मैं लगता है बचने वाला नहीं हूं। ये सब किसके लिए कबूल हो रहा है? उम्मत के लिए। और इतना बोझ दिया जा रहा है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, महबूब जो आप पे वजन डाला जा रहा है वो कायनात का सबसे भारी वजन है। उलमा तशरीफ फरमाए हैं, जरा इनसे पूछिए जिन्होंने दोहरे काम किए हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खेती बाड़ी वो तमाम मुश्किलें देखी हैं कि जो इस काश्तकारी में होती हैं। पहले जब थ्रेशर नहीं होते थे उनके साथ गंदम गहानी और बैलों के साथ टीले आबाद करने और क्रास चलाने और हल चलने और बैलों के ऊपर गुड़ शक्कर ये सारा सेटअप, हर मुश्किल से मुश्किल काम, 4-4 एकड़ बयक वक्त हल चलाने से उतनी थकावट नहीं होती जितनी जुमे के 1 घंटे में एक आलम को होती है। ये कभी उससे पूछिए जो जुमा पढ़ाता है, जुमे वाले दिन उस पर क्या बीत रही होती है, कितना बर्डन कितना बोझ, पूरे बाकी 7 दिन में उतना नहीं जितना जुमे वाले दिन होता है। ये किताबुल्लाह का इलम कोई मामूली इलम नहीं है। रब कह रहे हैं इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, और ये वो वजन है। अल्लाह कहते हैं हमने इस अमानत को पहाड़ों पे आसमानों पे जमीनों पे पेश किया, घबरा गए थे। मगर आपने 23 साल उम्मत के लिए ये कुर्बानी कबूल की है। महबूब बैठे हैं और आपका ये हिस्सा एक उम्मती की रान पे है, और जब वही आई तो यूं महसूस हुआ कि ये टूट जाएगा, ये बचने वाला नहीं है। आज उस वही की हमें कदर ही नहीं, बयान करते हैं, तज़किरे होते हैं, पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन वही को जिस तरीके से उम्मत ने फेंका हुआ है, मेरे महबूब कुर्बानियां देते इस दुनिया से चले गए। हजरत, दूसरे नंबर पे मेरे और आपके महबूब की कुर्बानी, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुम फअन्दिर, आप सारी रात का सफर करके आए हों और घर कह के सोए होंगे मुझे कोई जगाए नहीं, मोबाइल आपने बंद कर दिया हो, मैं आपके पास आ जाऊं और कहूं कि चलो उठिए जरा बखर जाना है, समझ आ जाएगी कि कैसे उठते हैं। भाइयों, मेरे रब ने महबूब को उठाया है और नींद की कुर्बानी, कंबल की कुर्बानी, बिस्तर की कुर्बानी, चारपाई की कुर्बानी ये आसान नहीं होती। जब रब ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्दिर व रब्बका फकब्बिर, मुझे इस बयान के बाद महबूब को कहीं चैन से सोते हुए दिखा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कुर्बानी को भी शायद
कम ही जिक्र किया जाता है, हालांकि मेरी नजर में यह कुर्बानी कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर, कौम को डराना खुशखबरियां देने से ज्यादा मुश्किल है। आप कभी कौम को डराने वाला अंदाज इख्तियार करें, मोहल्ले के बच्चे आपको छोड़ देंगे, नौजवान छोड़ देते हैं, बुजुर्ग छोड़ देते हैं, वो यार छड़ देता तो काम ही डराना है। दीन एडा भी औखा नहीं जिडा बना छड़े, हालांकि रब ने पहला हुक्म यह दिया था कि कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, पहले कहा था पढ़ पढ़ लीजिए, पढ़ाना है तो पढ़िए, पढ़ना आसान नहीं है। अगर आसान होता ना, ये कुर्बानी कितनी बड़ी है, तगारी उठाने वाले नौजवान से पूछिए, 20 ईंटें पीछे कमर पर रख के रस्से में डाल के 10-10 मंजिलों ऊपर चढ़ रहा है। जब उसका 10वां फेरा था ना, तो मैं नीचे बैठा था, मैंने कहा भाई बात सुने, कह लगे जी। मैंने कहा कितना पैसा मिलता है आपको, कहता जी 500 दिहाड़ी का। मैंने कहा 20 ईंटें 10 मंजिला ऊपर और तू इसको लेके चढ़ रहा है, यार इससे बेहतर नहीं था तू स्कूल पढ़ लेता, तालीम हासिल कर लेता। कहिंदा जी गया वा, पर वो काम इहदे नालों बहुत औखा सी। एक करा, पढ़ना भी कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी है, नहीं तो कभी पढ़ के देख। और आज के दौर में दुनिया की हर चीज देखी जा रही है, अगर पढ़ना मुश्किल है तो किताब मुश्किल है। किताब देखते ही पढ़ते ही नींद आने लगे, और जब नींद आने लगे रब नींद की भी कुर्बानी मांग ले और फिर वो नींद भी कुर्बान कर दे। जामे तिर्मिजी की एक हदीस है जिसका तर्जमा इंडिया ने कवाली की शक्ल में पेश किया, हालांकि वो मेरे महबूब का सच्चा फरमान है। हा फरमाते हैं, मा राई तो मिसल जन्नति व नामा तालिबुहा वला मिसल नारी व नामा हारिबुहा। मेरे रब ने मेराज करवाया, जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, मैंने जन्नत जैसी खूबसूरत हसीन और जमील कोई चीज नहीं देखी, और दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ और बदनसीब नहीं देखा जो जन्नत तो मांगता हो मगर सो के जिंदगी गुजारते, और जहन्नम से बड़ी खौफनाक चीज नहीं देखी मगर उससे बदकिस्मत कोई नहीं देखा जो फिर सो के जिंदगी गुजारते। वना महारिबुहा, यहां तर्जमा किया दिल वाले ने, कहा लगी वालिया नींदर नहीं आती तो तेरी किमें अख लग गई। ये कुर्बानी, नींद की कुर्बानी। कौम नशे में है, कौम सो रही है, कौम जबरदस्त है, कौम मस्त है, कितने नशे लगे। मेरे महबूब ने कायनात के सारे नशों की मौजूदगी में तोड़ के अगर कोई ताल्लुक निभाया है तो अल्लाह की किबरियाई का जो है वो निभाया है। ये तकबीर का नशा, अल्लाह की किबरियाई का नशा लोगों सिर्फ आपने अपने अंदर नहीं रखा, इस तरीके से इसको शिफ्ट किया। आग तो आग है, सबको जलाती है, आदमी नशे में हो तो पता नहीं चलता, वगरना आग जला देती है। सोया हुआ हो, नशे में हो तो नहीं पता चलता क्या हो गया है। मैं सोचता हूं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर क्या ताकत थी, क्या कुव्वत थी कि आप कोलों पे लिटा दिए गए हैं, सीने पे पत्थर रख दिए गए हैं, चमड़ा उधड़ गया है और जल जल के पिघल पिघल के चर्बी ने कोयले बुझाए हैं, हड्डियां भी जल के अंदर से काली हो गई हैं और पीछे से जो है पंजर खाली निकल आया है, और सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसे दबंग और नौजवान और बड़े समझदार और मजबूत हाथ रख के घबरा गए हैं। उन्होंने अपने जिस्म पे यह सह लिया था, वजह क्या थी? उनके पीछे ये तौहीद का नशा और अल्लाह की किबरियाई का नशा था कि शायद ये एहसास भी नहीं होने देता था कि मैं जिसके लिए जलाया जा रहा हूं वो इस आग की हिद्दत को छीनने पे कादर है, मैंने उसे नहीं छोटा होने देना, आखिर मौत है। मेरे महबूब ने कुर्बानी खुद ही नहीं दी, कुर्बानियों के रस्सिया बना दिए। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। कोयले हार गए, आग हार गई, मगर वो कुर्बानियां, वो जज्बात, वो ईमान की मजबूती और इस्तेकामत नहीं हारी। आज तो थोड़े से हालात खराब होते हैं, जाके नाई को कहते हैं शेव कर दे, दाढ़ी वालों के ऊपर जो है आजकल मुश्किलें।
मेरा वीजा नहीं लगता, लिहाजा मेरी जो है ना ये सुन्नत लिफाफे में पैक करके टीसीएस कर दे मेरे पिछलों को। जुल्मत शब से इतना हरासा ना हो। कौन मुश्किल है ऐसी कि आसान हो, ये गिरां खाब लम्हे भी कट जाएंगे, रात ढल जाएगी, दिन निकल आएगा। भाइयों तीसरी कुर्बानी, मेरे महबूब अल्लाह के कहने पे ऊंची जगह चढ़ गए, और जिस जगह चढ़े हैं वो जगह उस वक्त बैतुल्ला से ऊंची थी, जहां चढ़े हैं बैतुल्ला से ऊंची थी, और उस चोटी पे सफा पे चढ़ के जब 360 महबूब के कदमों में आ गए, फिर आपने बोला था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुफ्ले। ये 360 किसी काम के नहीं हजरत, कहना बड़ा आसान है। आपके शहर का कोई बुजुर्ग तरीन हस्ती जिनका नाम चलता हो, दरबार चलता हो, लोग अकीदत इज्जत एहतराम देते होंगे, शायद उसे खुदा नहीं मानते होंगे लेकिन वो तो उनको रब मानते थे, वो वद को, सवा को, यगूस को, यऊक को, नसर को और हुबल को, लात को, मनात को, उनको कदमों में करके फिर कहा ये सब हीच हैं, वह रब्बा का फकब्बिर, मेरा रब ऊंचा है, और उस ऊंचे रब और अकबर रब, सबसे बड़े रब के बारे में कह रहा हूं, उस अकेले को मान लो, वही माबूद है, बाकी सब बातिल हैं, तुफले हो, तुम्हारी कामयाबी के लिए ये काफी है। ये छोटी कुर्बानी नहीं थी, देनी हो तो कभी मेरे साथ आइए, सेवन शरीफ चलिए, लाहौर तशरीफ ले आइए, भाटी चलते हैं, मुल्तान आ जाइए, बहुद्दीन जकरिया चलते हैं, शाह शम्स तबरेज चलते हैं, आ जाओ उस शरीफ में, बड़े बड़े दरबारों मिजार हैं, 1.25 लाख, जाहरी बात नहीं, एक झलकी करवा देता हूं, ये तो कलमा पढ़ने वालों के अंदर की बात है, वो तो जान के भी दुश्मन थे, ईमान के भी दुश्मन थे, और उनमें खड़े होके, उनमें खड़े होके मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा छोटे बड़े शहद उतारे। मैं कभी कभी सोचता था महबूब, और यजदानी साहब जब झूम के पढ़ते थे और जो बाबा जी का कलाम पढ़ते थे, पूंडा दी खखर, हजरत ये कहना बड़ा आसान है, शहद में तो उम्मीद होती है ना कि चले मैंने इसके छत्ते को उड़ाया है तो शहद मिलेगा, डंग लग भी गए तो खैर है, तो पूंडा दी खखर में छेड़ के अल्लाह अकबर। लोगों मैंने भीड़ के डसे का इलाज देखा है, बल्कि सांप अगर डस ले है जहर का तरियाक बहुत, आदमी अगर डस ले तो हर सांस बिखर जाती है। आदमियों के मुंह से जो जहर उगल रहा है, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां, उनके पास वो नहीं है। आपको पता है 12 तलवारें लाएं पूरी दुनिया में कोई डंग इतना गहरा हो कि जो उस जहर के अंदर बुझाई गई हो, कि जो बॉडी को लगते ही जिस्म का एक एक खुलिया जो है वो इस तरह उसकी हालत कर दे कि जैसे ये था ही नहीं। जहरीली 12 तलवारें 12 कबीले लेके नुमाइंदगी करके, किस लिए कि ये आवाज दब जाए मगर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की कुर्बानी दे डाली। हजरात आइए, मैं दावत देता हूं, मेरे मुल्क में जब कोई मिंबर पे, मेहराब पे, डाइस पे चढ़ता है तो लोग फूल फेंकते हैं, आपके गुजरांवाला में भी आपने देखा होगा, और जब वो बहुत अच्छा बोल रहा होता है ना तो लोग नोटों की दथियां फेंकते हैं, करते हैं कि नहीं। मेरा ईमान है वक्त के नबी से अच्छा कोई नहीं बोल सकता। फइन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह, और उनसे बढ़ के किसी का अखलाक नहीं हो सकता, उनसे बढ़ के कोई फसीह, कोई बलीग हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे महबूब को जन्नत की दावत देने पे, हक सुनाने पे सबसे पहले गाली मिली है। फाजी
चढ़े हुए पाकिस्तान के किसी खतीब नूं टारगेट कर लो, दसिया जे ना जिथे उहदी तकरीर कामयाब होवे उत्थे खलो के दो चार गालां कढ दो, फिर मैं देखूंगा कि उसकी नफसियात कैसे टूटती हैं और आप कैसे बच के निकलते हैं। यारो मेरे महबूब ने जो हिलम हौसला सबर कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी। सगा चचा उठ के कह रहा है तब्बन लका सायर अल यौम, ये जो हाथ तूने ऊपर हिलाया है ना, यूं किया है, ये उठाने से पहले तेरा हाथ टूट क्यों नहीं गया, ये दिन आज हमने देखा क्यों है कि हमारे 360 की माजल्ला तोहीन करके, ये आज की दुनिया की जुबान उस वक्त बोली जा रही थी, मगर महबूब का हौसला देखिए भाई, हौसला भी बड़ी कुर्बानी होती है, ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं कि आप चुप हो जाएं। हम तो दो की चार, चार की आठ, आठ की माशाल्लाह 16 और 16 की 32, 32 की 64 GB करके सुनाएंगे GB। हमारी GB जो है ना पंजाबियों की, ये होती है गाली बकना, इंग्लिश वाली GB नहीं है। तो फिर कमाल नहीं मेरे महबूब की वो कुर्बानी। आगे चलिए, आप अलैहि सलातो वस्सलाम हमारे किसी खतीब पर, किसी दाई पर, किसी मुबल्लग पर, किसी आम नमाजी पर मस्जिद में आते हुए रास्ते में छोटा मोटा अटैक हो जाए ना, उन्हें नमाज ही छोड़ देनी या घर शुरू कर लो। मेरे महबूब पे अभी फर्ज भी नहीं थी, लेकिन देखिए बैतुल्ला में ओझड़ियां रखी गई हैं, मगर हक से ना रुके, मारा गया, लहूलुहान किया गया, पीटा गया, यारों को डराया गया, धमकाया गया, नफ्सियाती तौर पे गिराने की कोशिश की गई। आपको पता है जान फिर भी बर्दाश्त कर लेती है, नफ्सियाती टॉर्चर किसी को करना ये जानी तकलीफ देने से कहीं ज्यादा परेशान कुन होता है कि आपके यारों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मुआविनीन को, उनको जो है पहले तोड़ा जाए। अल्लाह अकबर, एक एक करके क्या जुल्म नहीं किया गया, मगर मेरे महबूब ने ये सारे नफ्सियाती हरबे बर्दाश्त किए। और इसी दिन की कुर्बानियां मेरे और आपसे वफा करते करते मेरे महबूब की बेटियों से क्या सलूक नहीं हुए। किसी बूढ़े बाप से पूछो जिसकी बेटी को सिर्फ दीन के जुर्म में, किसी आलिम से पता कर ले उसकी बेटी को फारिग किया गया हो, मारा गया हो, तलाकों तक नोकते आई हूं, जिदें की गई हूं। हजरात मेरे और आपके महबूब अलैहि सलातो व सलाम को नहीं समझ आती, जो सबसे कमजोर और गरीब चचा थे ना वो सैयदना अबू तालिब थे, माली हालात इनके अच्छे नहीं थे, इसी वजह से सैयदना अली अल मुर्तजा आपकी किफालत में थे। और आपको पता है इनके जिम्मे उधार बड़ा था, और ये दुआ आपने इन्हीं को सिखाई थी, अल्लाहुम अक्फिनी बिहलालिका नहरामिक वअग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का रंग ऐसे ही पीला नहीं था, ये कमजोरियां, ये चक्कर आने, और अक्का से आके जाके मां से कहना, मां जी गुलाम आए हैं तो अब मेरी भी हिम्मत नहीं है, अबू जी से कह दें कि गुलाम मुझे भी काम के लिए दे दें। हजरात कुर्बानियां, लोगों ने अपनों को नवाजा होगा। मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम ने कहा बेटी आई थी, बेटी को कह देना क्या मैं इससे अच्छा ना कर दूं। रात को सोने से पहले सारा दिन जो करती है कर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर के हाथों पे फूक मार के पूरे जिस्म पे मल लिया कर, ये अल्लाह तेरे दिन भर की थकावट भी खत्म कर देगा और ये जो गुलामों वाला मामला है उससे मुस्तगनी भी फरमा देगा। हजरात कुर्बान जाऊं, सिर्फ कुर्बान नहीं जाऊं, कुर्बानियों के अंदाज देखिए, मेरे महबूब के दामाद को सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला और आपकी बेटी सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला ना। यार कभी आपका दामाद आए और मोहल्ले वाले आने ना दें, मोहल्ले वाले ना आने दें, आपको मिलने ना दें, बैठने ना दें, और आप तंग आके उनकी जान बचाते हुए उन्हें कहीं जाने का कह दें। आपको पता होना चाहिए मेरे महबूब अलैहि सलातो व सलाम की बेसत को 5 साल हुए हैं, 5 नबवी है, ये रवानगी होती है, हिजरत करते हैं और समंदर के रास्ते से करते करते सफर कहां जाके हबशा में। और भाइयों ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं, बीवी फौत हो जाए और बेटी पास ना हो,
سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے نا میرے محبوب کی عمر وجہ سے، سیدہ رقیہ حبشہ میں تھی، اور جب بیٹی وفات پاتی ہے سن 2 ہجری میں تو باپ پاس نہیں ہے، بدر میں ہے۔ یہ مناظر آپ نے کبھی اس پہلو سے بھی دیکھے ہوں، محبوب آپ کا پھر بھی دل نہیں رکا، آپ کو جو ہے روک ٹوک کے چلے، میں ان راستوں کی وجہ سے میرے اوپر یہ ساری مشکلیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، آلام آ رہے ہیں، اذیتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اس راہ حق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ محبوب سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر پھر خندہ پیشانی سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کر پایا، اللہ پکڑنا نہ، اللہ معاف کر دینا۔ 70 مرتبہ اور 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اللہ جو کمی رہ گئی ہے معاف کر دینا، میں حق ادا نہیں کر پایا معافیاں دے دینا۔ حالانکہ کمی کوئی نہیں چھوڑی، لیکن محنت ہے، لگاتار ہے، شیب ابی طالب میں بند ہیں، وہ جاؤ، اتنی بڑی معاشی بائیکاٹ کی داستان آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ بائیکاٹ اس حد تک کر دیا جائے کہ ایک سبز پتا بھی باقی نہ بچے کہ جس کو کھا لیا جائے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے عرب کی ببول اور ہمارے ہاں کی یہ کیکر، ایک تو دیسی کیکر ہے نا، ایک یہ جو فارمی ٹائپ اس طرح کے، یہ جنگلی کانٹے دار، ان کے کانٹے بھی ختم ہو گئے تھے، درختوں کے چھلکے بھی ختم ہو گئے تھے، وہ وادی غیر ذی زر۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ خشک ترین کسی مرے ہوئے جانور کے چمڑوں تلک نوبتیں آ گئی تھیں، اس قدر بائیکاٹ تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ کا اور میرا 4 دن کو اس طرح کا سیٹ اپ بند کرے، اللہ اکبر، ہم جو ہے ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یارو، یہ محبوب با وفا تھے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے۔ آج غلام نبی کا نام، نبی کا غلام سبھی کا، سیدی مرشدی نام تک رہ گئے، اور ہم نے صلہ کیا دیا؟ بڑے تانے دیتے ہیں نا لوگوں کو، اچھا صلہ دیا تم نے میرے پیار کا، محبوب کی محبتوں اور وفاؤں کا کیا صلہ دیا کہ نبی کو دیوار سے لگا دیا؟ معاذ اللہ، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول دیوار سے لگے ہوئے ہیں، پوسٹر پہ لگائے ہوئے ہیں، ہم نے فلیکسوں پہ لگائے ہوئے ہیں، دفتروں میں لگائے ہوئے ہیں، مکانوں میں لگائے ہوئے ہیں، مسجدوں میں لگائے ہوئے ہیں، اور جب کام کرنا پڑ جائے، آپ کون ہم کون؟ مانی کبھی محبوب کی؟ کبھی نہیں، ان کی قربانیوں پہ ہی نظر کر لیتے۔ اللہ اکبر، شیب ابی طالب، یہ قربانیاں، ہجرت حبشہ، یاروں کی ماریں، صفوں میں لپیٹنا، دھوؤں سے دم بند کر دینا، اللہ اکبر۔ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا ہے۔ ایک منظر آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میرے محبوب بیٹھے تھے اور آپ کے سر میں کمان ماری گئی، لہو بہ رہا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بچپن یتیمی میں گزرا ہو، جوانی میں کوئی یار سجن بیلی دوست بھی نہ بنایا ہو، تن تنہا اپنی دنیا آباد کی ہو، اور جو علاقے کے چودھری وڈیرے اور سردار ہوں، مار کے سر پھاڑ کے چلے جائیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور پھر چچا حمزہ پاس آئیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ میرے محبوب کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، بڑا پیار تھا۔ خصوصی طور پہ جو چچے ہم عمر ہوتے ہیں نا، ان کا اور بھتیجوں کا جو پیار ہوتا ہے، اور جو ماموں اور بھانجے ہم عمر ہوتے ہیں، ان کے پیار ہی نرالے ہوتے ہیں، پیار ہی نرالے ہوتے ہیں۔ مار کے چلا گیا ہے شکار سے، لوٹے ہیں چچا، کہا بھتیجے کیا ہوا ہے؟ کہا چچا ہونا کیا ہے، روٹین ہے، جس کے جو دل میں آتا ہے، میرا ہے جو کوئی نہیں، مار کے چلے جاتے ہیں، میرا جرم کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، میں رب کا نام لیتا ہوں۔ چچا سے برداشت نہیں ہوا، اٹھے ہیں، جا کے سر پھوڑا ہے، کہا بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔
कहा चाचा हमें इन बातों से कब खुशियां मिलती हैं? हमारी खुशियां खून के बदले खून बहाने में नहीं है। ये हमें मार ले कोई हरज नहीं, लेकिन आग में ना जले हमें ये खुशी होती है, ये आग से बच जाएं। चाचा खून का बदला खून ले आए हो, मुझे खुशी नहीं हुई। भतीजे खुश किस तरह हो गए? कहा जिसके लिए मैं कुर्बानियां दे रहा हूं कि चाचा आग से बच जाओ, कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ा है, ये था मेरे महबूब का मकसद कुर्बानियां देने का। आप और मैं, फिर मेरे महबूब के वो चचा भी इस दुनिया से चले जाते हैं जिन्हें अबू तालिब कहते हैं, जिनसे वाबस्तगियां थी, प्यार था। मेरे रब ने वो अहलिया भी ले ली है कि वही के वक्त आते हुए घबराए हुए महबूब कहते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी इन्नी अखाफ अला नफ्सी, मेरे बस में होना मैं दुनिया की सारी खवातीन सैयदा खदीजा पे वार दूं और उनके एक बोल पे वार दूं जो उन्होंने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ी कल्ला हुआ बादा। अब शेर मेरे महबूब, मेरे महबूब, आप जो कह रहे हैं ना मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आपको हौसला देती हूं, ये डर की बात नहीं, ये खुशखबरी की बात है। आप जैसे खूबसूरत किरदार अगर दुनिया से उठा लिए गए तो पीछे बचेगा कौन? मुश्किल लम्हे में खूबियां देखने वाली बीवी भी रुखसत हो गई है। ये वो दिन था, मुझे यूं लगता है तारीख पढ़ के हिस्ट्री पढ़ के कि जैसे सहरा में अकेला इंसान खड़ा हो और उसे कुछ सुझाई ना देता हो और उसका पानी भी छिन गया हो, खुराक भी चली गई हो। मेरे अक्का को पूरे मक्के में कोई नजर नहीं आया। बैतुल्ला की 50 साल सोबत भी मेरे महबूब छोड़ के चले गए। कभी मक्के जाना, गाड़ी पे ताइफ जाना, फिर वापसी पे पैदल निकलना। मैं यहां स्कूल से यहां तक आया हूं तो मेरे भाई को दर्द महसूस हो रहा था कि आप पैदल क्यों आ गए, बाइक पे आ जाते, तबीयत ठीक नहीं थी, ये मसला था। ताइफ का रास्ता, पहाड़ी रास्ता जरा पैदल करना, आज के दौर में जो 14 सदियों बाद तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता मुतमद्दन इलाका, दिल दहल जाता है। मेरे महबूब कैसे गए होंगे? और जिन पे उम्मीद लेके गए थे उन जालिमों ने जो लफ्ज बोले हैं ना, कलेजा आज मुंह को आने लगता है। एक कहता है महाजल्ला तेरे जैसों को नबी बनाना था, दूसरा कहता है ये इस तरह के कमजोर लोग जिनके पास ना कोई दीन, ना दौलत, ना दुनिया, ना मां, ना बाप, ना कोई नसब, ना सब आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो बनाना था तो हम चौधरी बैठे थे। और तीसरा कहे अगर तू नबी है तो तब भी मैं बात नहीं करता, अगर नहीं है तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। महबूब जन्नत की दावत लेके गए, लौंडों को पीछे लगा दिया। मेरी मिल्लत के नौजवानों एक बात याद रखना, मुमकिन है आपको कोई आलिम, कोई मौलवी उभारे, कोई शख्स आपको जन्नत के नजारे दिखाए और कहे कि फलां शख्स को जाके पत्थर मारो, कभी किसी की बातों में ना आना। तुम्हारे शहर में पहले एक हाफिज कुरान को पत्थर मार मार के मारा गया, हालांकि उसका कसूर कोई नहीं था। ये जज्बात भरी दुनिया नौजवानों को इस्तेमाल करती है। मेरे महबूब को इतने पत्थर मारे गए, 4000 पहलवानों की ताकत रखने वाला इंसान सहता सहता लहू बहता, बदने अल्तफ जख्मी, पांव घसीटते हुए, पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं मिली। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, जिस दिन 70 लाशें गिर गए थे ना उहद में और एक औरत के 4-4 रिश्ते तड़प रहे थे, और उस वक्त मेरे महबूब जख्मी हालत में दरे के पीछे थे और फतह जो थी वो शिकस्त में तब्दील हो चुकी थी। दफनाने के लिए कब्रें नहीं मिल रही थी और कफनाने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे। उस दिन कि जिस दिन दुनिया के सबसे बड़े शहजादे मुसब इब्ने उमैर की हालत यह थी,
कि उनके ऊपर पूरी चादर देने को नहीं थी, उनका परना परना और ये साफा जिसको हम कभी बांध के नलके के नीचे नहाते थे ना, वो छोटा हिस्सा सर पे देते हैं तो पांव नंगे, पांव पे देते हैं तो सर नंगा। अरब के सबसे खूबसूरत अमीर तरीन शहजादे की यह हालत देख के ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं थी। महबूब कहते हैं कि इसके पांव पे इस घर घास डाल दो। उस दिन कि जब एक औरत कहीं भाई शहीद है, कहीं शौहर शहीद है, कहीं मामू शहीद है, कहीं बाप शहीद है, लोगों ये हालात हो चुके थे। ऐसे में कि जब अपने सगे रजाई भाई और चचा अंग अंग काट के, कलेजे जिगर निकाल के, आंखें निकाल के, कान काट के और हार परो के गले में डाल के जश्न मनाए जा रहे थे, ऐसे लम्हात में जब जनाजे इज्तिमाई होने वाली कैफियत हो चुकी थी, उनको उठाना मुश्किल हो गया था। मेरे महबूब से किसी ने पूछ लिया कि इससे भी कोई मुश्किल दिन आया, इससे भी कोई बड़ी आजमाइश देखी। कहा मेरे सहाबा जी, एक दिन आया था जब मुझे पूरे मक्के में मेरा कोई नहीं दिख रहा था। रब ने चचा भी ले लिए, कुर्बानी ले ली, बीवी भी ले ली, कुर्बानी ले ली। मैं ताइफ वालों के पास चल के गया, उन्होंने मुझे इतना मारा था, मेरा इतना खून बह गया था कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जमीन पे दुखड़ा सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। मैं एक बाग में जाके गिरा था, मैंने अपनी जिंदगी में उससे मुश्किल दिन नहीं देखा। आप किसी की खैर खाही लेके निकले हूं और वहां पे इस तरह के हालात पैदा हो गए हूं, ये मेरे महबूब की कुर्बानियां आप और मेरे लिए। और हम हीरो बना के बैठे हैं जिन्हें हमारे नामों का भी पता नहीं होगा, और जो रातों को सोते रहे, दिन को खून बहाते रहे और ऐसे हालात में भी दुआएं मांग के गए। ओ यारो, आपको या मुझे जीटी रोड गुजरा वाले पे ऐसा सलूक गुजरा वाला के नौजवान करें और इंतजामिया बॉडी आ जाए और आके कहे कि आप हुक्म करें, मैं तो कहूंगा जी एक दफा मेरी आंखें ठंडी करो, लाठी चार्ज होना चाहिए, इनको निकाल निकाल के घसीटा जाए सड़कों पर। रब ने फरिश्ते भेजे, कहा महबूब हुक्म करो, इन पहाड़ों में रगड़ के रख देंगे। ये थी मेरे महबूब की कुर्बानी, वो तो खून की कुर्बानी थी, असल कुर्बानी यहां नजर आ रही है। आपने सब कुर्बान कर दिया, कुर्बान जाऊं महबूब आपके हौसले पे और आपकी दूर रस निगाहों पे, दूर बीनी पे। आप कहने लगे नहीं जाओ, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ये मेरी कौम है, उन्हें नहीं पता मैं उनका क्या लगता हूं, मुझे तो पता है वो मेरी कौम है, ये तो मेरी कौम है। और बड़ा कोई कभी अपनी कौम को नहीं मारा करता। लोगों, 1994 अक्टूबर का महीना है, मैं पहली दफा सरजमीन जिद्दा पे उतरा। जो टैक्सी मैंने ली उसका ड्राइवर मुझे पूछने लगा, मिन अय्यि अर्दिल्लाहि अंत, नौजवान दुनिया के किस खित्ते से है। मैंने बताया पाकिस्तानी हूं। फिर मैंने पूछा वह अंत मिनैन, आप कहां से, कहने लगा मिन ताइफ। आज जब ये मुझे मौजू दिया गया और मेरी शायद आज स्पीड उससे ज्यादा थी जो उस वक्त थी, 150 के ऊपर जाकर के वो मोटरवे पे सफर कर रहा है और उसने कहा ताइफ, तो मैंने कहा वो लोग जिन्होंने मेरे महबूब को पत्थर मारे थे। उस नौजवान की चीखें निकल गई, दोनों हाथ स्टेरिंग से उठा के यूं गाड़ी की छत से लगे और कहने लगा ला वल्लाहि ला, ओ नहीं नौजवान नहीं मैं, उनमें से नहीं, वो मेरे अबाओ अजदाद थे, मैं उन हस्ती को मारने वालों में नहीं, मैं कलमा पढ़ने वालों में हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात, उस दिन मेरे महबूब को कहा अगर आप एक दफा कह देते बदला लेने वाले होते, आज ये नौजवान कम अज कम उनकी नस्लों में महबूब आपका मद्दा ना होता, कलमा पढ़ने वाला ना होता, यह आज अपने मां बाप के साथ, अबाओ अजदाद के साथ नहीं खड़ा, महबूब ये आपके साथ और ईमान के साथ खड़ा है। ये कुर्बानी हमसे नहीं होती, लेकिन महबूब देखे गए, हमने उनको वफा के बदले में जो जफाएं दे रखी हैं, सता रखा है, सुन्नत को उड़ा रखा है, परखचे कर रखे हैं, बिदात और खराफात में तब्दील कर रखा है, ये सिला दिया है हमने अपने महबूब को अपनी वफाओं का, उनकी वफाओं का, और उनको आइडियल बनाया, ही
गया, पीछे लगे, जिन्हें हमारे नामुंगी की भी खबर नहीं, और जो रातों को मुसल्लू पे सो के दिन को घोड़े पे पीठ पे चढ़ के हजरत लौ लुहान हो के यारों को शहीद करवा के सूलियों पे चढ़ा चढ़ा के मेरे महबूब ने आप तक दीन गुजरा वाला में पहुंचाया, और आज हम उनको जो है इज्जत से नाम देना, दुरूद पढ़ना, उनके कहने पर मस्जिद में आना, सुन्नत को अपनाना, ये मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। गैरों के पीछे लग लग के मैंने अपने महबूब से जो जफाएं की है, गिला जफाए वफानुमा के हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूं तो कहे सनम भी अरे अरे, बुत भी बोले के तुफ तुम्हारी इस मोहब्बत पे जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता गया, तुमसे तो बेहतर वो लोग हैं जो मेरे चरणों में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत में कि हिजरत की रात ले लो ना, एक दिन बैठा था हिजरत की रात को पढ़ने, वो रात मेरे लिए कितनी भारी हो गई थी। मैं सोचता था महबूब आपने तो एक नहीं कई रातें गुजारी। मैं अपनी पूरी जवानी और सेहत के साथ 100 रुपए चढ़ा था, गारे हीरा पे चढ़ा था, सिर्फ यह देखने के लिए कि महबूब आपने अपनी उम्मत के लिए कितनी मुश्किलें उठाई हैं। एक घर मां बाप का विरासती छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कभी गुजरांवाला में से अपनी मां को, बाप को, उनके घर को, और जब वो रुखसत हो चुकी हूं कब्रिस्तान में छोड़ के किसी के कहने पर निकलना, मैं देखूंगा आप कैसे निकलते हैं। रात के लम्हात में बैतुल्ला के सामने खड़े होकर कहना, बैतुल्ला तुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहता था, मक्के में मेरा तेरे अलावा है ही कोई नहीं, लेकिन तेरी कौम ने मुझे यहां रहने नहीं दिया, रब ने चाहा तो तुझे मिलूंगा। मैं इन लम्हात को, इन अल्फाज को जब देखता हूं, नफ्सियाती तौर पे जिंदा जमीन में गड़ जाता हूं। जिस रब की तौहीद के लिए 8 साल की जुदाई बर्दाश्त कर डाली आपने और मैंने, उसी शिरक को खूबसूरत पैकिंग कर देके कहा कि ये भी तौहीद है। लोगों ऐसा नहीं था, आसान नहीं थी हिजरत। 420 किलोमीटर पैदल रास्ता और सर की कीमत 100 ऊंट लगी हो। हजरत हाफिज साहब को नजर बंद की है, सर की कीमत लगी है, फिर भी कितना प्रोटोकॉल है, कितने सिक्योरिटीज के मजबूत निजाम है। यारो मेरे महबूब के साथ एक सिद्दीक, 12 जहर में बुझी हुई तलवारों और पहलवानों के साथ सोने वाले सैयदुल अली अल मुर्तजा, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मेरे नाम पे मलंग बन के शराबे पीने लगे। मैं जिंदगी मौत की कश्मकश में लोगों की तलवारों के साए में तौहीद के तहफ्फुज के लिए लेटा रहा, और तुमने उसी तौहीद को बरसरेआम और उसी नमाज को छोड़कर के आज जो हशर कर रखा है, क्या यह सिला था महबूब की कुर्बानियों का? 100 ऊंट मिलेंगे, एक सर ला दो, जाओ पूछिए कभी उस सहाबी से जो 100 ऊंट उसको खाबू में नहीं आंखों के सामने नजर आते थे और वो बार बार पीछे आता था, याद है ना कौन थे? फिर मैं महबूब आपको क्यों ना कहूं कि कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं आप पे, लफ्जों में नहीं हकीकत में, वो जान लेने आया है 100 ऊंट के लालच में, और आप उसको कह रहे हैं कि जा सुराका, जब अल्लाह मेरी उम्मत को उरूज देगा, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के कंगन तेरे हाथ में होंगे। मैं तुझे खुशखबरी देता हूं, आप कैसे आए कोबा पहुंचे? मैं गुजरांवाला की आबादी को देखता हूं, मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने को देखता हूं, दुनिया को देखता हूं, आप और मैं इतने लोग बैठे हैं, क्या हमने अपने घर से पहले मस्जिद बनाई? नहीं, ये कुर्बानी नहीं है, घर की खबर भी नहीं और मस्जिद बन रही है। हर शख्स अपने दादाजी से प्यार करता है, लेकिन मैं अपने दादाजी से नबी ना हालत में जिंदगी के वो अय्याम गुजारे हैं कि जब मैं सही मानों में चल भी नहीं सकता था, लेकिन खुद कच्ची जगहों पे और उन्हें साफ जगहों पे लेकर चलना
क्यों? मैंने अपनी मां से एक बात सुनी थी कि बेटा 73 है, सैलाब है, बाप घर नहीं है, ये तेरे बूढ़े दादाजी थे, नबीना थे, पूरा घर का कुछ नहीं बचा, बेटी को कंधे पे उनके बिठाया है और तुझे मैंने ठाया हुआ था और मेरे कंधे पे अब्बू जी का हाथ था, एक हाथ में डंगोरी थी, चल रहे थे, यह पानी आ रहा था, अचानक पाऊं को कुछ लगा, नीचे बैठ गया। मैंने कहा अब्बू क्या हुआ है? कह लगे बेटा हौसला करो, जिंदगी मौत की कश्मकश में थे जब उन्होंने पाऊं से लगने वाली कोई चीज उठाई, ऊंचे टीले पे चढ़े, उस टीले की बुलंदी के जब दो दो मंजिला जेलों और हवालात के अंदर पानी चला गया था, उस पर चढ़ के कहते हैं बेटा ये मेरे पास ईंट का रोड़ा है, ये मेरी डंगोरी है, इसको तोड़ जरा। कब इससे ये कब टूटेगा? कहा कोशिश कर। छोटे छोटे चार पीस बनाए, कहते हैं बेटा मुझे जरा थोड़ा सा आइडिया दे किबला किस तरफ है। कहा इस तरफ। चार मुख्तलिफ जगहों पे वही रोड़े रख के कहा अल्लाह मेरे पास कुछ और है नहीं, मैं बचा इतना है और इस नई जगह पे आया हूं मैं, सबसे पहले तेरे महबूब की सुन्नत पे आके तेरा घर बना रहा हूं। हसरत हमारे पास आज बहुत कुछ है, ईमान की दौलत में तो अपने घर में एक मुसल्ला नहीं बना सका ना, एक कमरा नमाज के लिए खास कर दूं कि जहां मैं दाखिल हूं तो पता लगे कि ये मुसलमानों का घर है और मुझे यहां जो है नमाज पढ़नी है तरगीब हो। मैंने मेहमान खाने बना डाले लोगों, मैंने शोकेस बनाए, उनमें भालू भैया टिकाए जिनको उतारते और गिराते हुए मेरे महबूब का। कौन सा यार था जो बचाया जिसे सजाएं नहीं दी गई? मैं फिर वही भालू, वही भैया, वही बुत, वही डॉन्सिंग डॉल्स, वही गुड़िया, वही सारा कुछ लेकर के आज और हूं मैं महबूब का उम्मती। मेरे महबूब ने कुबा में भी रब का घर बनाया, मदीने में भी गए तो रब का घर बनाया। मैं और क्या कहूं कि कुर्बानी क्या होती है? लोगों मेरे महबूब के मदीने में 12 हुजरे थे, 12 हुजरे, सूरतुल हुजरात पढ़िए। मुझे आपका कोई भी हुजरा इतकाफ से बड़ा नहीं मिला। मैं तंग हूं कि मैं 5 मरले के घर में रहता हूं, मैं तंग हूं 2.5 मरले के घर में हूं, मैं कितना तंग हूं कि मेरा गला तंग है, मेरी गली तंग है। और यारो मेरे महबूब की पूरी जिंदगी एक दफा ऊपर देखते जन्नत के महल उतर सकते थे, लेकिन उम्मत के लिए काज पे रहे, मिशन पे रहे, टारगेट पे रहे, जशन नहीं मिशन पे रहे। जशन मनाने होते तो रब जन्नत जमीन पे उतार के आपके पड़ोस में हुजरे के दाएं बाएं जो है वो जन्नत के प्लाट उतार सकता है, मेरा रब जन्नत नहीं उतार सकता था। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियादिल जन्ना, लेकिन बताया मैं मिशन पे हूं, जशन पे नहीं हूं। इतनी तंग जगह, इतनी तंग कि आप सजदा करें तो बीवी लेट ना सके, बीवी लेटी हो तो सजदे की जगह ना हो। जाइए नाप के देखिए कितनी जगह है, मेरे ख्याल में कब्र से ज्यादा जगह नहीं होती है। और कुर्बानियां पूछते हो क्या ले गए? एक जालिम उठता है और कहता है कि औरतों का रसिया था, हया गई, गैरत गई। आप और मैं सवाल करने बैठ जाते हैं वाकई ऐसे था, और हजरत ऐसा वाकई 6-7-8-9 साल की थी और ये मसला था और आप वाकई अच्छे थे। वो लोगों बैत करने के लिए आज जरा देख उलमा के झुरमट, जब पीरों के झुरमट देख, कौम की खैरखाई करने वालों को देख, लोग जिनसे उम्मीदें बांध के जाते हैं उनको देख, 300-300 के बराबर हराम के नुतफे रख के इज्जतों को लूट के ले जाते हैं और वो हाथ पे बैत भी नहीं ले रहे, इतना हयादार नबी। और उसी पे उठ के एक जालिम कहे और आप और मैं जो है बड़ी खामोशी के साथ बर्दाश्त करें लोगों, नहीं उनकी कुर्बानियों का अगर मैं जिक्र कर दूं, मैं एक दिन गिनने बैठा था कि मेरे महबूब की कुर्बानियों की वैरायटी कितनी है, मेरा कलम थक गया था, मेरी नजरें थक गई थी। और एक महीने बाद लिखते 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 जब हजारों से ऊपर कुर्बानियां गई थी तो मैं हौसला हार गया था। मैंने कहा महबूब आपकी कुर्बानियां नहीं गिनी जा सकती, अल्लाह ही आपको जजा दे। कौन सी कुर्बानी है जो आपने?
यारो एक मस्जिद में एक हाफिज तैयार हो ना, एक हाफिज आपका, एक बेटा, एक आपने, आपको पता होना चाहिए दुनिया के करोड़ों अरबों खरबों लगा के आप किसी नौजवान को तैयार करें, हाफिज कुरान की कीमत फिर भी ज्यादा है। हाफिज कुरान की कीमत कायनात की सारी गैलेक्सीज के अंदर मौजूद सियारे और जमीनों में मौजूद धाते जमुर्द याकूत मरजान लोलो पर्ल इतने महंगे नहीं है जितना हाफिज का सिर्फ सीने में जहां आयतें मौजूद है वो महंगा है। आप क्या जाने कदर क्या है। मेरे महबूब ने पता कितनी कुर्बानियां दी हैं उम्मत के लिए, 70 कुर्रा इकट्ठे मेरे मौना, लेकिन तरबियत कैसी कर दी थी। एक एक को मारने से पहले कहते थे 360 में से किसी एक का नाम ले दे छोड़ देंगे। गिरते गए, कुर्बानियां देते गए, मरते दम भी शिरक नहीं किया, शिरकी बोल नहीं बोले। हराम इब्ने मलहान की बारी आई, 69 लाशें गिरा के कहने लगे 69 हो गए अब तेरी बारी है देख ले लोगों, यहां तो मैं कुर्बानी में दो बकरे रखता हूं, एक को दूसरे के सामने जबा करता हूं, वो जिंदा भी जबा हो चुका होता है, मर चुका होता है, उसकी मैं मर गई होती है। 69 लाशें, हादसा देख के कई ड्राइवर जो है सहम जाते हैं, पिंडी तक फिर आगे सफर ही नहीं होता, पांव जो है वो मालूम नहीं उसे क्या हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। 69 लाशें, और कहा जा रहा है अब भी कह दे एक दफा लात मनात उज़्ज़ा यहूबल के लिए छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। कहते हैं इधर आए जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तीर लगा है और पता है क्या बोला, फुज़्तु व रब्बिल काबा, तेरे 360 भी हार गए, उज़्ज़ा हुबल लात भी हार गए, तू भी तेरी कौम भी हार गई, मैं 70 कुर्बानियां देके भी नहीं हारा, क्योंकि मुझे अपने महबूब से कुर्बानियां हिलम हौसला बुर्दबारी सब देने की जो है वो तरबियत मिली है, मगर मैं दीन बेचने वाला नहीं, ईमान बेचने वाला नहीं। फुज़्तु व रब्बिल काबा, वो काबा अल्लाह का है, अल्लाह वादा उला शरीक है, ये लात उबल मिर्जा ये कोई कुछ नहीं हैसियत नहीं रखते, ये बद सबा यगूस 360 सब के सब जो है डी वैल्यू है मेरी नजर में। हजरात ये कुर्बानियां महबूब ने भी दी और अपनी कौम को भी कुर्बानियों में लगाया था। आप और मैं, एक झटका लगे तो झूले लाल, मामूली सी मुश्किल आए तो या बरी इमाम, कोई प्रॉब्लम बने तो या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस, इसलिए लौटे हैं। मैं महबूब की कुर्बानियों का अहाता नहीं कर सकता। अभी तो मुझे खंदक की एक रात, कभी तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए, एक नौजवान ने कह दिया था बुजुर्गो हमने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, कहा तुम पूरी जिंदगी जो मर्जी कर लो, खंदक की एक रात जब पूरी दुनिया इकट्ठी होके इस्लाम को काटने के लिए, मोहम्मद रसूल सल्लम को शहीद करने के लिए, आपके चंद गिने हुए अफराद को मारने के लिए इकट्ठे होके आ गए थे, और कुरान की जुबान में वबलगतिल कुलूब अलहनाजिर, ये जो है हिस्से कलेजे मुंह को आ रहे थे, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे में एक नौजवान खंदक पार करके जाकर के वहां की खुफिया रिपोर्टें लेकर के आ जाए, तो हजरत ये कोई छोटी बात नहीं थी। किस्सा मुख्तसर, मेरे महबूब ने दुनिया में जितनी टेंशनें हो सकती हैं वो सब उठाई हैं, कुर्बानियां दी हैं आपके लिए और मेरे लिए। बदले में आपने और मैंने महबूब को क्या दिया है जरूर सोचना, सवालिया निशान है। इज्जत मुसीबत मलामत बलाएं, इस राह हक में हमने क्या क्या ना देखा। हमने महबूब को क्या दिया है, दीवार से लगाया हुआ, अपने घर में जाके चेक करना, दफ्तर मकान में चेक करना, अंगूठे चूमने की हद तक में रह गया, और जब काम की बारी आई नारा मेरा है गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, और जब महबूब की सुन्नत की बारी आई तो मुझे गशी पड़ गई, मौत आ गई। लोगों मेरे लिए नहीं, अपने महबूब की वफाओं के लिए। आखिर सिफारिश भी उन्होंने करनी है, कौसर का जाम भी उन्होंने देना है, जन्नत में साथ भी उनका, और फिर उससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। आज के इस टॉपिक को अपनी जिंदगी में शामिल करें, सीरत की कोई किताब सामने रखें, मेरी महबूब की जिंदगी का हर दिन पढ़ें, हर रात पढ़ें, हर कदम पे कुर्बानी मिलेगी। कोई हदीस पढ़ करके देख लें, ऐसी हदीस मुझे नहीं मिली जिसमें महबूब की किसी ना किसी कुर्बानी का तज़किरा ना हो। जब जुबानें बंद की जा रही थी,
जब होंठ सीए जा रहे थे, जब जुबानें काटने को दुनिया तैयार खड़ी थी, और जब गुद्दी से निकालने को कहती थी, और जब जहरें तैयार करके तलवारों से चीरने फाड़ने को, और नेजों के साथ जो है उनकी अन्नियों पे चढ़ाने को, और तीरों की बरसात करके मुसलमानों को जो है सफाए हस्ती से मिटाने को दुनिया तैयार खड़ी थी, मेरे महबूब ने उस वक्त कलमे को नहीं गिरने दिया, रब की तौहीद को नहीं गिरने दिया, लाज रखी है। आज छोटी छोटी बातों पर अल्लाह की भी लाज खत्म, तौहीद खत्म, किबरियाई खत्म, सब कुछ पीछे है, दाव पे लगा करके जो मुंह में बोल देते हैं। सोच के बोला करें, ये बोल तोले जाने हैं, और तोल के लिए मीजान है, मीजान के पलड़े अगर उलट साइड पे झुक गए, मेरे रब मुआफ करे, फउम्मुहु हाविया, तो फिर जो मां की गोद दी जानी है वो हाविया है। वमा अदरा कमा ही, क्या जानो वो क्या है, नारुन हामिया, घर में चूल्हा जला के दो मिनट बैठ के देखना, उंगली रख के देखना, बैठा जाए तो ठीक, नहीं तो फिर महबूब की वफा को याद करना, रब की किबरियाई और अल्लाह की अता को समझ के लौट आना, ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा करके, अगर मौत ईमान पे आ गई तो मैं अच्छा, वगरना तेरा कुत्ता अच्छा। अकूल कौली हाज़ा व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إله العالمين تیرا شکر ہے تیری حمد تیرے لیے تعریف ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء كما يحب ربنا ويرضى اللہ زمین کی ساری پلیٹیں تعریفوں سے بھر رہے ہیں اللہ آسمان کی ساری تشتریاں تعریفوں سے بھر رہے ہیں تیرے لیے اللہ زمینوں اور آسمانوں کے مابین سارے خلا پر کر کے دے رہے ہیں تعریفوں سے تیرے لیے اللہ تجھے اور بھی جو چاہیے وہ بھی ہم سے بھروا لے جیسے راضی ہوتا ہے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ان تعریفوں کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم ضرورت مند ہیں اللہ حاجت مند ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں اللہ جتنے بھی بہن بھائی احباب دوست تشریف فرما ہے میں ان کی ضرورتوں کو نہیں جانتا تو دلوں کے راز جانتا ہے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے اے مستغنی اے غنی ہم فقیر ہیں محتاج ہیں اللہ تو غنی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرما اللہ حلال دے حرام سے بچا اللہ جن کی اولادیں نہیں جھولیاں بھر دے اللہ جو بے اولاد ہیں اولادوں سے نواز دے اللہ جن کی اولادیں فرما بردار بنا دے اللہ جن کی اولادیں امتحان دے کے پاس ہو چکی ہیں اللہ آئندہ بھی کامیاب کرتے رہنا اللہ جو کہیں ناکام ہو گئی ان کی ناکامی کو کامیابی کا پیش خیمہ بنا دے مولا اور الہ العالمین جنہوں نے ابھی پیپر دینے ہیں یا ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے اللہ والدین کی چاہتیں میں اور ان کی خواہشیں پوری فرما دے اللہ جو بچے جوان ہیں شادیوں کی پریشانی ہے اللہ ان کی عفت کی زندگی کا اہتمام فرما دے ان کے لیے آسانیاں کر دے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض میں آسانیاں دے دے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما دے الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے اللہ بیماروں کو شفا دے دے اللہ تو ہماری حالتوں کو بہتر جانتا ہے اللہ ہم جسمانی بیمار روحانی بیمار اللہ ہمارے دکھ درد کوئی اور نہیں ٹال سکتا ذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا اللہ یغادر سقما اللہ میرے مائی باپ بیمار ہیں صحت عطا فرما اللہ خالہ انتہائی شدید تکلیف میں الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما اللہ جو بھی دکھی ہے تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے کسی بھی پریشانی میں اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما اللہ آج کی اس مجلس کو جن بھی احباب نے سجایا ہے اللہ دنیا بھی ان کے لیے سراج منیر کے نقش قدم پہ کر دے اللہ حشر نشر میں بھی ان کو جو ہے شاف کی کوثر کی معاونت عطا فرما دے ان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام دے دے اور اللہ جنت الفردوس میں بھی اس سراج منیر کے ساتھ اللہ حشر فرما دے اور آخرت اور جنت الفردوس دے دے اللہ سائل بن کے آئے ہیں سوالی ہیں اللہ ضرورت مند ہے محتاج ہے اللہ کوئی نہیں دیتا تو نہ دے تو اللہ تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہتے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین